हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूँ अभी अलमीरा गोल्ड फार्म पे सलमान भाई, पंकज भाई और अनस भाई के साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई लोग? अल्लाह का शुक्र है। अभी बैक टू बैक वीडियोस बन रहे हैं सलमान भाई जी। हाँ, कोटा ब्रीड के अंदर एक बकरा आप पकड़े हो, दो गुजरी बकरे हैं जी। बेसिकली अपन वीडियो में कौन कौन से जानवर कवर करेंगे भाई? गुजरी हैं और मेरे कुछ नए जानवर आए हुए हैं, हम उनको शूट करेंगे। ठीक है, ये बकरा तो अपन पहले भी दिखा चुके हैं कोटा जी जी, लेकिन लास्ट टाइम से अभी के अंदर मैं देख रहा हूँ बकरे के अंदर काफी फर्क आ गया जी। सेल्फ फीडिंग पे या भराई पे? भाई सेल्फ फीडिंग पर ही। खुद से ही खा रहा है? खुद से ही खा रहा है। माशाल्लाह, क्या डिटेल पे खड़ा हो गया अभी भाई? हाइट के अंदर तो भाई ये बहुत शॉर्टेस्ट है। कोटा बहुत शॉर्टेस्ट, इतना हाइट तो मिल जाती है मगर शॉर्टेस्ट नहीं मिलते। हाइट नहीं मिलते सही? नहीं भाई, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मेरी खुद डिमांडिंग चल रही है कि मिल जाए मगर मिल के नहीं दे रहा, पता अल्लाह की क्या मर्जी है। और भाई वजन के अंदर 125 किलो बिल्कुल कंफर्म है। 125 किलो अब अभी हो सकता है, नीचे नहीं। हाइट कितनी होगी इसकी अभी भाई? 34 लेकिन माशाल्लाह फुटबॉल की तरह दिख रहा है बकरा जी। छोड़ के दिखा उसको, चलने दो अपनी मर्जी से। एक तो उसकी चाल और खड़े होने का स्टाइल माशाल्लाह बहुत ही अलग है यार जी भाई। और सेकंड टाइम देख रहा हूँ भाई कि सक्सेसफुल कोटा बकरा तैयार हो रहा है ये। अच्छा भाई शुक्रिया जी। इसके बाद ये गुजरी बकरे हैं जो पंकज भाई पकड़े हैं जी। डिटेल बताइए आप लोग इसकी भाई। इसकी 43 प्लस हाइट है और भाई वजन रहेगा इसके अंदर 120 प्लस। ठीक है, तो अभी सलमान भाई इन बकरों को सेल के लिए निकाल दिया? हाँ भाई, सेल होता है तो ठीक। लास्ट टाइम आपने मुझसे बोला था कि अभी इरादा नहीं है आपका देने का, लेकिन अभी दिन नजदीक आते जा रहे हैं बकरा ईद के, तो अभी सेल कर सकते हैं आप जी, ना? जी जी जी। ठीक है, एक बकरा अनस भाई के हाथ में है, ये भी माशाल्लाह बहुत हेवी वेट बकरा दिख रहा है जी। क्या वजन पे होगा भाई ये? भाई अराउंड 130। 130 जी। अभी सलमान भाई से पूछ रहे हैं, इनने वेट चेक किया क्या इसका? भाई बिल्कुल सही बताया, 130 प्लस ही हो सकता, नीचे नहीं हो सकता। आपने चेक किया था वेट? जी भाई, मैंने चेक करा था। ओके, और हाइट कितनी है भाई? 42 प्लस। 42 प्लस की हाइट है, लेकिन ये पीछे से कुछ ज्यादा ही उठा हुआ दिख रहा है बकरा, है ना, कमर की तरफ से। जी, जी। माशाल्लाह। और दांतों में कितना हो गया होगा भाई? दांतों में भाई भी पूरा कर रहा है, 8 दांत लगा रहा है। खैर, इतना बड़ा बकरा है, 8 दांत तो लगाना कंपलसरी है। छोड़ के दिखाओगे आप दोनों बकरे? माशाल्लाह भाई। ठीक है, तो अभी ये तो अपने पुराने बकरे थे जी, जो अपने फार्म के ऊपर अपन ने लास्ट टाइम भी भाई मैंने कवर किए थे। आपको मैंने गुजरी अभी सारे नहीं निकाले, बाड़ों के अंदर है भाई, हाथ में नहीं आ रहे, ठंड बहुत हो रही है। ओके, दिक्कत भाई बहुत ज्यादा हो रही है। जिस भाई को इंशाल्लाह जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो इंशाल्लाह पूरी होगी। ठीक है, आपसे पर्सनल में कांटेक्ट कर ले जी, तो जी, आप जी, उनका एक एक वीडियो निकाल कर दे जी, सकते हो। जी जी भाई बिल्कुल। बाकी अभी मुझे ये बता दो सलमान भाई कि फार्म के ऊपर नया क्या आया है अभी? भाई नया माल उधर है, हम उधर चलते हैं, दूसरे बाड़े पे है जी। ठीक है, देख सकते हो कि 70 आग बिल, एक इधर जल रही है, एक उधर जल रही है, एक उधर जल रही है। बहुत ही ज्यादा ठंड है, बकरे इतनी ठंड मान रहे हैं कि मतलब बहुत मुसीबत हो रही है निकालने की। सही बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, जो नया स्टॉक आया है उसे देख लेते हैं। ये सलमान भाई सब नया स्टॉक आया है अपने पास? भाई नया स्टॉक आया है ये, बहुत बढ़िया। जब अनस भाई आए थे ना अभी पिछली बार, ये जब आया था ठीक है, उनके सामने ही आया था, उनके सामने ही गाड़ी उतर रही थी। कितना टाइम पहले? 20 दिन हो गए शायद, 20 दिन हो गए, 20-25 दिन। तो 20 दिन में बकरों में मतलब सेट ही हुए होंगे? मुझे अभी तो भाई नहीं लग रहा, हुए हैं, आप देख सकते हो। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि 20 दिन में कोई वजन बढ़ाएगा। नहीं, लेकिन नहीं, नहीं। बकरा सेट हो जाए ये अच्छी बात है 20 दिन के अंदर। ये कौन सी ब्रीड में भाई? ये नागफनी। नागफनी के अंदर है भाई? मेरे को तो मैं आपको एक बात बताऊँ अपना पर्सनल, बहुत टाइम बाद ऐसे नागफनी देखने के लिए मिले, इतने बड़े साइज के, इतने बड़े फ्रेम के। अच्छा, पाले थे वालिद साहब ने जब घर की छत पर शौक होता था, तो उस टाइम पर 185 किलो का नागफनी पाला था। माशाल्लाह, कौन से ईयर की बात होगी ये भाई? 2000
2004 की बात है शायद। 2004 मतलब 20 साल पहले। हाँ हाँ भाई 20 साल। बहुत बढ़िया भाई माशाल्लाह। ठीक है तो जाने दो उसको भी आप। जी ये लंबे कान भाई बच्चा है अभी तो, बहुत माशाल्लाह फुल क्वालिटी का। बहुत बढ़िया यार, ये देखने में पहली बार नागफनी इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है जी, क्योंकि इनके कान भी कुछ अलग यूनिक है। नहीं तो मैंने देखा है फेस अक्सर थोड़ा सा अजीब सा आता है नागफनी बकरों का। हाँ, भाई बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये बकरा। और अपने मैं आपको गुजरी दिखाता हूँ जो। अच्छा इसमें गुजरी भी नए आए हैं कुछ भाई? चार बड़े गुजरी लिए मैंने। एक तो यही है, ये नर दिख रहा है शायद भाई? सब नर हैं। सभी नर हैं तो इनको अभी पंच कराओगे आप? भाई अभी थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, वैसे सर्दियों का टाइम है, ये टाइम पे पंच करा लेते हैं तो थोड़ा आसानी रहती है जानवरों को। जी 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 भाई गुजरियों के बारे में तो गुजरी के किंग ये बताएंगे। जज़ाकल्ला भाई। अनस भाई आप भी माशाल्लाह शौक करते रहते हैं गुजरी बकरों का। जी भाई माशाल्लाह गुजरी का अपना शौक तो गुजरी का ही है। हाँ तो ऐसा क्या आपको क्या अच्छा लगा गुजरी ब्रीड के अंदर, तो सिर्फ गुजरी को आपने इतना टॉप पे रखा है हमेशा? जी माशाल्लाह इस बार भाई को ना मैंने अंडुल के लिए राय दी थी और इंशाल्लाह इन्होंने अपनी बात सुनी और अभी ये चार अंडुल परचेज किए इन्होंने। ओके हाँ डायरेक्ट जंगल से आए हैं चारों और बहुत शानदार बच्चे हैं चारों। और बहुत ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है यार खस्सी कराने की जरूरत भी नहीं है इसको, तो नरी पाल लो। अंडुली रखेंगे? अंडुली रखो। हाँ जी माशाल्लाह। और ये फुल गंदा हुआ है बकरा, अभी नहाएगा धोएगा तो वो अपनी क्वालिटी दिखाएगा इंशाल्लाह। क्वालिटी आप देखिए ना इनकी झालर वगैरह, अंडुल में जो चीज चाहिए होती है ना रूबाब सब है इनमें। सही बात है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत और मेरा फेवरेट यही है। अच्छा माशाल्लाह, तो वो भी हो सकता था भाई फेवरेट, ये खूबसूरत क्यों है सिर्फ? इसकी जो कमान है ना और जो एकदम रूबाब है जो अंडुल में होना चाहिए भाई वो इसमें ज्यादा है। और एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ मैं जी, गर्दन बिल्कुल खड़ी रख रहा है ये जानवर, इसकी वजह से हो सकता है कि ज्यादा अच्छा दिख रहा है दूसरे बकरों से। भाई बात अच्छी की नहीं होती, रुबाब होता है अंडुल में मेन, क्या एग्रेसिव होना चाहिए और रुबाब होना चाहिए, वो सब क्वालिटी है इस बकरे के अंदर। सही बात है माशाल्लाह। ठीक है इसके बाद ये बच्चा जो पकड़े हुए पंकज भाई जी, ये उससे हाइट में ज्यादा है क्या? हाइट में भी क्या हाइट पे होगा भाई? ये 44 44 की हाइट है जी। बिल्कुल क्या बात है भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो अभी सलमान भाई इनको सेट करोगे या सेल करोगे, क्या करोगे भाई? कुछ सोच के रखा है? सेल होते हैं तो मैंने आपको बताया, तो अभी तो आए हुए, अगर कोई कोई अगर मांगेगा हाँ। तो हम दे देंगे। दे देंगे बिल्कुल। सही है, नहीं तो फार्म पे पली रहे, पलाई पर ही रहेंगे यहाँ पर के, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इनको फिर लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। तीसरा बकरा ये देखिए आप, इसकी कमान देखिए आप माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी फ्रेम का काठी का बकरा है जी। और बस क्या है कि अभी सर्दियों का टाइम है, इतनी सर्दी है कि अपन ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा है, नहीं तो इनको नहा धुला के फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं। सर्दी में ना बकरा होता नहीं है, जैसे अभी आपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मार्च में देखेंगे, मार्च में तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। मार्च और अप्रैल में तो ये खुलकर आएंगे, क्योंकि तेल चल रहा है इनका, फीड चल रहा है सर्दियों वाला, तो वो सब रंगत बकरा जो दिखाएगा वो इंशाल्लाह मार्च और अप्रैल में दिखाएगा, जैसे गर्मी पड़ेगी तब वो बकरा खुलकर आएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये सब अंडुल भी है ना जो, ये तो अभी न्यू है, न्यू कलेक्शन है, तो अभी इन्हें सेट होने में एक महीना लगेगा, एक महीने बाद फिर ये इंशाल्लाह तैयारी पर आएंगे। बिल्कुल सही है, उस टाइम पे मजा आएगा। अब नेक्स्ट जो विजिट होगा तो इंशाल्लाह ऐसे टाइम पे ही करेंगे कि सर्दियां बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो मजा आएगा शूट करने में इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। और इनकी रंगत भी चेंज होगी बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई एक आप सबको दिखा रही थी थोड़ा जी, एक ओवरव्यू लेते हैं इसमें, ये सब नया कलेक्शन है। वो तो ये वैसे दिखाना नहीं चाहिए था अनस भाई, अपन ने फिर भी दिखा दिया। अभी क्या है इन बकरों को जरा पॉलिश वॉलिश करके दिखाते हैं ना, बिल्कुल, तो बकरे अलग ही दिखते हैं, अलग ही दिखते हैं। अभी आए हैं, देखिए इंशाल्लाह जब आप बकरी पर शूट करेंगे फर्क लगता है लोगों को। बिल्कुल 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 लगता है। नहीं तो मुझे लगता है भाई अभी कोई भी फार्म वाला ऐसा नहीं होगा अनस भाई कि मतलब ऐसी कंडीशन पे बकरे दिखा दे, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करे, कोई भी नहीं दिखाता है भाई। सब पॉलिश करते हैं बकरे को अच्छे से तैयार करके ही दिखाते हैं। बट यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात भाई देखिए, एनी टाइम विजिट कर सकता है अनस भाई, बताएंगे हमारे। मैं खुद 125 बकरे कुर्बानी करता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और भाई मैं ये बकरे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बकरे मेरे खुद के हैं
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस यही बोलने वाला था कि कोई पलाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी दूसरे के जानवर नहीं है, तो ये खुद का माल है, जब चाहो जैसे रखो इनको, जितनी मेहनत करोगे आप ही को फायदा होगा सलमान भाई उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मेन बात क्या है सलमान भाई, हाजी साहब, एक्चुअली पुराने लोगों में पहचाने जाते हैं कुर्बानी के लिए। जी जी, 100+ बकरे कुर्बान करते हैं अल्लाह के लिए, और वो भी सब एक से एक हेवी बकरे तैयार होके कुर्बानी होते हैं। तो इसलिए इनका शौक पहले कुर्बानी का था और कुर्बानी से ट्रेडिंग में आया, वही सेम मेरा है। अच्छा, क्योंकि मैं पहले कुर्बानी करता था तो अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा बकरा चाहिए, और उसके चलते चलते माशाल्लाह आज अल्लाह ने थोड़ा सा नाम कर दिया तो ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। सही है भाई, तो अभी दोनों काम चल रहे हैं, शौक के साथ साथ जी कुर्बानी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिजनेस भी। जी देखिए दिखाइए इसकी झालर, माशाल्लाह ये इनका मारने के मूड में है, बहुत शानदार भाई, बहुत रुबाब वाला बकरा है ये भी। जी भाई, इसको कुर्बानी करोगे आप? भाई सेल होता है तो सेल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये इतने ही बकरे थे अपने पास। जी 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 ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।